अगर आपको उल्लू के बारे में पता है, उल्लू एक जैसे नेटफ्लिक्स है, एएलटी बालाजी है, ऐसे एक उल्लू एक चैनल कह सकते हो, तो अगर आपको इस उल्लू चैनल के बारे में पता है तो आपको ये भी पता होगा कि इसमें किस टाइप की सीरीज़ रिलीज़ होती है। सविता भाभी 1, सविता भाभी 2, सविता भाभी 3, सविता भाभी 4, व्हाट द फक, खुल जा सिम सिम, और चरम सुख, रीति रिवाज सीज़न 1, रीति रिवाज सीज़न 2, और भी बहुत सारी कुछ अलग अलग इसके अंदर सीरीज़ आ रही हैं, बहुत ज़्यादा हैं। अब इन सीरीज़ के मुझे नाम कैसे पता है, जाहिर सी बात है मैं इस पे गया और बस ऐसे ही चेकआउट करने के लिए मैंने देखा कि कितनी सारी ऐसी हैं जो अब कितनी रिलीज़ कर चुकी हैं, ये सब देखने के लिए मैं वहाँ गया था। और फिर इन बी ग्रेड की जितनी सीरीज़ हैं इनमें से एक सीरीज़ देखने की सोची कि एक की क्यों ना कहानी देखी जाए। सविता भाभी के बारे में मुझे नहीं जानना था तो मैंने सोचा रीति रिवाज एक लग रहा था कुछ ऐसा, तो रीति रिवाज को मैंने स्टार्ट किया। सीज़न 1 ही देखा मैंने रीति रिवाज का। मैं कोई डायरेक्टर का या फिर किसी कास्ट में जो भी है उनका नाम तो लेने वाला हूँ नहीं, क्योंकि नाम उनका लिया जाता है जिन्होंने कोई काम किया होता है। अब इस सीरीज़ की कहानी की बात करते हैं। देखो इसकी कहानी अगर मैं चाहूँ तो 2 से 3 लाइन के अंदर ख़त्म कर दूँ, लेकिन इतना मज़ा नहीं आएगा। इस सीरीज़ को देखने के बाद जो मेरा दिमाग ख़राब हुआ है तो उसको तो मैं ऐसे तो जाने दूंगा नहीं, तो इसको अच्छे से विस्तार से एक्सप्लेन करूंगा मैं। एक औरत है, वो अपने गांव से थोड़ी सी दूर जाके पानी लेके आती है, ठीक है। तो वो पानी लेके आना और फिर घर के काम करना उसको बहुत ज़्यादा लगता है, बहुत टाइम लग जाता है उसको इस चीज़ों में। तो इस चीज़ से वो फ्रस्ट्रेट होकर वो अपने पति से कहती है, वो कहती है कि तुम क्यों ना एक और शादी कर लो ताकि तुम जो नई दुल्हन लेके आओगे वो पानी लेने के लिए जा सके और वो घर के काम कर सके। What the fuck is going on here? अब उनके गांव में ये रिवाज होता है कि हर इंसान जो है, हर मर्द जो है, वो 3 शादी करके बैठा हुआ होता है। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं? सच में अरशद सर, मैं भी नहीं जानता कौन है ये लोग। अब एक चीज यहां पे मैं आपको बता दूं, ये जो इंसान है जो दूसरी शादी करके एक नई नवेली दुल्हन घर पे लेके आता है, ये इंसान बूढ़ा है। इसकी पहली वाइफ जवान, इसकी दूसरी वाइफ भी आती है वो भी जवान आती है। कुछ भी, कुछ भी। फिर इस सीरीज का मेन प्लॉट स्टार्ट होता है। ये। हाँ, तो ये करने के बाद जैसे सुबह होती है तो वही नई नवेली दुल्हन को 3 मटके पानी लाने के लिए भेज दिया जाता है। वो 3 मटके पानी लेके आ रही होती है तो उसके पैर में मोच आ जाती है जिससे वो कोई भी काम नहीं कर पाती। फिर से पुरानी वाली जो लेडी, जो वाइफ थी, वो फिर से वही काम करती है क्योंकि अब अकेली पड़ गई, अब उसे घर का काम भी करना है, अब फिर से पानी लेके आना है, और वो फिर से फ्रस्ट्रेट हो जाती है। अब फिर से फ्रस्ट्रेट होने के बाद वो अपने पति को फिर बोलती है कि तू एक और शादी कर ले ताकि अब जो तीसरी आएगी वो पानी ला सके, और चचा खुशी खुशी शादी भी कर लेता है। चचे, स्टेमिना नाम की भी कोई चीज़ होती है। अब अगले दिन सुबह ही तीसरी जो नई नवेली दुल्हन आती है वो भी जवान ही, ठीक है, उसको पानी लेने के लिए भेज दिया जाता है। तब पूरी रात को अपने पति के साथ ये। ना होने के बाद तो उसे गांव का कोई ऐसा इंसान मिलता है, वो इसके साथ करता है। अगले दिन जिसको चोट लगी हुई होती है वो ठीक हो चुकी है और अब वो कहती है कि अब वो पानी लेने जाएगी। तो तीसरी क्यों लेकर आए हो यार? भाई मारो, मुझे मारो, मारो, मुझे मारो, मारो। तब ये पानी लेने जाती है तो वही शख्स जिसने तीसरी वाले के साथ किया था वो ये सोच रहा होता है कि अब ये भी शायद उसके साथ कर लेगी, लेकिन वो मना कर देती है, जिससे इस शख्स का ये हवस जो है वो मिटाने के लिए इसको मार देता है। पुलिस इसको पकड़ के ले जाती है। कहानी का दी एंड हो जाता है। अब क्या था इस सीरीज के अंदर? सिंपल सी बात, कुछ भी नहीं था। कुछ लड़कियां ले लो, टांगे दिखा दो, उभरी हुई छातियां दिखा दो, बस यही वो लोग वो देखने के लिए बैठे हुए हैं। इनकी मेंटेलिटी के साथ वो लोग खेलते हैं और इन जैसे कचरे दिमाग वालों के साथ ये चीज़ें चली जा रही हैं और इन्हीं की वजह से ये सीरीज जो है वो आती ही चली जा रही है। इस उल्लू पर, इन जैसे उल्लुओं की वजह से ये सीरीज धड़ल्ले से चल रही है। क्या टाइम आ गया यार, किसका रिव्यू करना पड़ रहा है? एक बात साफ कह देता हूँ, उल्लू पे कुछ भी देखने लायक नहीं है, दूर रहो इनसे। बस आज के लिए इतना ही था। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।